रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है X-Men 97, जो बेसिकली 1997 में खत्म हुए क्लासिक X-Men The Animated सीरीज का एक कंटिन्यूएशन है। और बावजूद इतने सालों के कंटिन्यूएशन के बाद भी ये सीरीज अब भी जबरदस्त है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और ये लोगों को इतना पसंद क्यों आ रही है, और क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इस चीज से सीखना चाहिए लाइव एक्शन में X-Men को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि X-Men The Animated सीरीज ने क्या क्या अच्छा किया था जिसे 20th सेंचुरी फॉक्स उतने अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाई, और इस चीज को हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट्यूम्स के बारे में, क्योंकि वही एक्समैन के कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और इस सीरीज ने इस मूवी से हटकर एक्समैन के अलग अलग कॉस्ट्यूम से इन कैरेक्टर्स को खुद की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज दी थी, जो कि मूवीज के अंदर यूनानिमस एक्समैन कॉस्ट्यूम से तो काफी ज्यादा बढ़िया था। और 20th सेंचुरी फॉक्स की एक्समैन मूवी फ्रेंचाइजी इस बात को डिसाइड ही नहीं कर पाई कि वो अपने एक्समैन को दिखाएंगे किस तरह से, और उन्हें कई बार एक्समैन मूवीज के अंदर एक्समैन कॉस्ट्यूम्स के बजाय एक्समैन यूनिफॉर्म में दिखाया गया, जिसमें पहली मूवी के अंदर ये ऑल ब्लैक था और एक्समैन फर्स्ट क्लास के अंदर ऑल येलो। ऑफ कोर्स एक्समैन अपोकलिप्स के एक छोटे से सीन के अंदर हमें इस बात का हिंट दिया गया था कि आगे जाकर हमें एक्समैन के कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स को दिखाया जाएगा, बट फिर उसे चेंज कर दिया गया येलो यूनिफॉर्म से। और ज्यादातर समय इन्हें बिना ऑफिशियल कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म के ही दिखाया जाता था। वुल्वरिन को तो कॉस्ट्यूम में देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थीं, बट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर प्रोफेसर जेवियर के लुक और डेडपूल 3 के अंदर ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन के लुक को लेकर मुझे इस बात का काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मार्वल स्टूडियोज इस गलती को MCU में नहीं दोहराएगा। कॉस्ट्यूम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर्स को भी 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर कई बार अंडर पावर या ओवर पावर करके भी दिखाया गया, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और कैरेक्टर्स को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया जिस तरह से सक्सेसफुली X-Men द एनिमेटेड सीरीज ने किया था। एग्जाम्पल के रूप में हम जीन ग्री की बात कर लेते हैं, जिसका अल्टीमेट फीनिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमें 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर दो बार दिखाया गया, लेकिन दोनों ही बार 20th सेंचुरी फॉक्स ने ह्यूमैनिटी को खत्म कर देने वाली ओवर पावर्ड ज़ॉम्बी की तरह दिखाया, जबकि X-Men द एनिमेटेड सीरीज के अंदर इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, जहां पर इसकी ओरिजिन को एलियन ओरिजिन से जोड़ा गया था। साथ ही साथ जीन ग्रे के यहाँ पर फीनिक्स के परसोना के साथ स्ट्रगल को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, और यहाँ पर उसके इमोशनल टर्मोइल को भी एक्सप्लोर किया गया था। जीन ग्रे के अलावा अगर बात करें स्कॉट समर्स की, तो 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर हमें स्कॉट समर्स एज अ कैरेक्टर बहुत खास रूप से नहीं दिखाया गया, बल्कि इस सीरीज के अंदर हमें उसे एक पोटेंशियल लीडर की तरह दिखाया गया था जो X-Men 97 के अंदर खुद को प्रूव कर रहा है। वहीं पर इस सीरीज के अंदर वुल्वरीन उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था, बट हाँ उसके पास्ट लाइफ और उसकी ओरिजिन को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, जिसके कारण इस कैरेक्टर ने इस सीरीज को ओवर पावर नहीं किया। ऑल्सो न्यूमरस कई सारे कैरेक्टर्स को फुल डेवलपमेंट का मौका दिया गया और उनकी कहानी को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया। वहीं पर 20th सेंचुरी फॉक्स मूवीज के अंदर इन कैरेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ कैमियो फेस्ट ही चला, और ये अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में हमें देखने को बस मिले, और ये चीज मार्वल फैंस पर छोड़ दी गई थी कि वो इन कैरेक्टर्स को पहचाने और इनके बारे में जाने। अब ऑफ कोर्स मार्वल स्टूडियोज के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 20th सेंचुरी फॉक्स की गलतियों को दोबारा न दोहराने की। खैर, कैरेक्टर से ज्यादा 20th सेंचुरी फॉक्स ने यहाँ पर स्टोरीज के साथ कई बार कबाड़ा किया है। डोंट गेट मी रॉन्ग, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एक बहुत ही बेहतरीन कहानी थी, जो कि शायद मार्वल कॉमिक से भी अच्छे तरीके से इस मूवी के अंदर अडॉप्ट किया गया था, बट कोर मार्वल फैंस जानते होंगे कि यहाँ पर भी कई सारी डिफरेंसेस थी जो कि कॉमिक बुक से अलग दिखाया गया था। सबसे पहली बात तो मार्वल कॉमिक्स और द एनिमेटेड सीरीज के अंदर बिशप होता है जो एक्चुअली टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन वहीं पर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के अंदर बिशप, जो एक्समैन का एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, उसे एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए दिखाया गया था, जिसकी ऑन स्क्रीन डेथ हो जाती है। इसके अलावा फीनिक्स सागा के अंदर एनिमेटेड सीरीज के अंदर पूरे के पूरे शियार एम्पायर को एक्सप्लोर किया गया था, जिसके थ्रू ही ऑफ कोर्स फीनिक्स का लेजेंड मार्वल कॉमिक्स के अंदर जुड़ा था, जिसे कि 20th सेंचुरी फॉक्स के दोनों इटरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। इसके अलावा म्यूटेंट क्योर की भी कहानी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, जिसे 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर द लास्ट स्टैंड में फीनिक्स सागा के साथ खिचड़ी बना के प्रेजेंट किया गया था।
अब किसी भी बेहतरीन सुपर हीरो कहानी के पीछे का सबसे बड़ा बैकबोन सुपर हीरो नहीं बल्कि उसका मेन सुपर विलन होता है। एंड डेफिनेटली मूवीज के अंदर मैग्नीटो को ही मेन विलन के रूप में हर बार एस्टैब्लिश करना इन माय ओपिनियन 20th सेंचुरी फॉक्स की सबसे बड़ी गलती थी। सच तो ये है कि मैग्नीटो बस प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का एक दूसरा हिस्सा है और वो म्यूटेंट्स की ही परवाह करता है, बस एक अलग नजरिए से, जहां पर वो पर्टिकुलरली ह्यूमंस के खिलाफ नहीं होता है। बट हाँ, ह्यूमंस और म्यूटेंट्स में जब चुनने की बारी आती है तो वो हमेशा म्यूटेंट्स को चुनता है, जो उसे इनडायरेक्टली एक विलन बना ही देती है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, माइकल फैसबेंडर और इयन मैकेलन ने इस कैरेक्टर को अपने एक्टिंग के दम पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है, लेकिन मेरी यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यहाँ पर बाकी विलन्स पर इतना फोकस किया क्यों नहीं गया। विलन्स जो बेसिकली कॉमन म्यूटेंट विलन थे, जैसे कि मिस्टर सिनिस्टर, सेंटिनल्स, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी और एपोकलिप्स जैसे कुछ म्यूटेंट विलन्स जिनका खतरा हमेशा म्यूटेंट्स पर बना रहता था, और कभी कभार इनसे लड़ने के लिए चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो के फैक्शंस को एक साथ भी आना पड़ता था। इन सब के बीच में हमें सेबर टूथ, मोजो, जगरनॉट, मिस्टिक, ग्रेडन क्रीड, सौरॉन और ऐसे कई सारे विलन्स को दिखाया गया था। और फाइनली अगर बात करें सबसे वन ऑफ द मेजर डिफरेंस के बारे में, तो वो है एक्समैन का एज सुपर हीरोज दिखना, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स मूवीज के अंदर हमें प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो के बीच के राइवलरी को ही कई बार दिखाया गया, और एक्चुअली इसी चक्कर में हमें एक्समैन को 20th सेंचुरी फॉक्स मूवीज के अंदर मेजर सुपर हीरोज की तरह नहीं दिखाया गया, जो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के काम आते हों। यही चीज एक्चुअली द एनिमेटेड सीरीज के अंदर डिफरेंट थी, जहां पर प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर अपने म्यूटेंट्स को ह्यूमैनिटी के फ्रेंड्स के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए हर वो कोशिश करते थे जिससे ह्यूमंस की सिंपैथी म्यूटेंट्स की तरफ बढ़ पाए, और कई बार इस टीम को ह्यूमैनिटी को बचाते हुए भी दिखाया गया था। साथ ही साथ ये टीम कई सारे स्पेस मिशंस पर भी एक साथ जाती थी, जिसे फॉक्स मूवीज के अंदर बड़े ही छोटे टाइम के लिए द डार्क फिनिक्स के अंदर दिखाया गया, जिससे ऑफ कोर्स फिल्म के अंदर फिनिक्स को अपनी पावर मिलती है। होपफुली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्समैन को म्यूटेंट से ज्यादा सुपर हीरोज के रूप में एस्टैब्लिश जरूर करेगा, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बिगर लोर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स और हीरोज से भरा हुआ है। ऐसे में उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट इन पर दिखना जाहिर सी बात होगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में आप बताइए, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको एक्समैन का पुराना वाला एनिमेटेड सीरीज पसंद था या नहीं, और आप नए वाले के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसी ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।